सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से भरने वाले हैं, क्या आपकी जो अपडेट है इस वक्त की वो हम सब शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सबको बता दूँ, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है वो वैदर ऑफलाइन भी हो सकते हैं या ऑनलाइन भी हो सकते हैं, उसकी कोई भी अपडेट जो है अभी नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई अपडेट नहीं है। वैसे जो नोटिफिकेशन आया था वो जो है मेन कैंपस और ऑल कैंपसेस के लिए था। ठीक है, वो तो एक जो है सब ने हवा बना दिया कि वो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए नहीं है, मेन कैंपस के लिए सिर्फ, वो सबके लिए नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी ऑन गोइंग सेमेस्टर है जैसे कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, उन सब में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने जो है ये पैनिक होकर इतनी अफवाह उठा दी थी कि ये सिर्फ मेन कैंपस के लिए है और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होंगे, ऐसी कुछ अफवाहें उड़ रही थी। ठीक है, फिर जब यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जो आपकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट निकाली और उसके बाद ही आपकी जो है जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर उसका ऑनलाइन का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, जो भी कैंडिडेट डाउट्स में थे उनका डाउट क्लियर हो गया, उसके बाद थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स थे उनका डाउट बच गया। वैसे तो जो नोटिफिकेशन आया था वो सबके लिए था, मगर डाउट की वजह से कैंडिडेट्स अभी भी डाउट में है। देखो, अगर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन हो रहे हैं तो वैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से तो सबके ऑनलाइन होने चाहिए, और अगर कल को ऑनलाइन नहीं भी होते हैं, आपके ऑफलाइन होते भी हैं, तो जो आपके NSUI वाले हैं वो आपके लिए हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और होंगे भी। ठीक है, तो आपको उनके साथ जो है कॉपरेट करना है, जैसे वो बोलेंगे आपको आपको बता देना है कि अगर जब भी आपको ऑफलाइन होने का डेट शीट आती है। फिलहाल तो किसी भी बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, राइट? जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तभी आपकी डेट शीट आएगी, और जब डेट शीट आएगी तो उसमें तो साफ साफ लिखा होगा कि वेदर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो वेट करने की बात है। अब मुझे एक कमेंट में किसी ने बोला था कि आपने पिछली वीडियो में बोला था ऑनलाइन। देखो, अगर मैंने ऑनलाइन बोला भी था तो मैंने एक्सपेक्टेड बोला था, और जो नोटिफिकेशन आया था वो सबके लिए था तो मैंने उसको देखते हुए बोला था। ठीक है, तो कोई भी डाउट में मत रहा करो, अगर आपको कुछ डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उधर बोला था एक्सपेक्टेड, मैंने 100% श्योरिटी नहीं दी थी, मैंने सिर्फ एक्सपेक्टेड बोला था, और जब तक जम्मू यूनिवर्सिटी कोई अपडेट नहीं निकालेगी तब तक मेरा भी एक्सपेक्टेड ही रहेगा। मैं भी कोई ऑफिशियल जो हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, देखो तो मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है सिर्फ, और बाकी जो नोटिफिकेशन होते हैं उसको देखते हुए बताया जाता है सिर्फ। बाकी आपको जो है 100% तो जब भी ऑफिशियल साइड पर आएगा तो तभी कन्फर्म होता है, और जैसे ही ऑफिशियल साइड पर कोई नोटिफिकेशन आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहो। ठीक है, सो अगर आपको कुछ और डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करो। सो देख सकते हो नेक्स्ट, आप ये जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है आपके सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो भी 3 इयर्स के या समर जोन में हो आप या विंटर जोन में हो, बीए बीएससी बीकॉम जनरल कर रहे हो या बीबीए बीसीए बीकॉम कर रहे हो किसी भी कॉलेज में, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में, तो आपकी जो एडमिशन है वो आज से यानी कि 9 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक खुली है। देखा, पहले आपकी एडमिशन हो चुकी है, मगर जो भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के कैंडिडेट्स थे जिनका आरएलओ रिजल्ट था तो वो चेक कर सकते हैं, उनकी जो कॉलेजेस होंगे वो आपके एडमिशन कर रहे हैं, तो 9 से लेकर 11 तक जो है आप अपनी एडमिशन करवा लो। आपको लेट फीस देने पड़ेगी 2,910 रुपये। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 50% क्रेडिट होने चाहिए। 50% क्रेडिट कैसे होने चाहिए मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, 50% क्रेडिट का मतलब 50% नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं चेक करी हुई है तो चेक कर लेना। ठीक है, तो चेक कर सकते हो आप, जब भी एडमिशन हुई थी पहले मैंने उसे पूरा वीडियो में डिस्कस किया था, तो बहुत लंबा प्रोसेस है तो वो आपको मैं इधर नहीं डिस्कस कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन है ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा राजौरी, तो नौशहरा राजौरी के जो है आपको एक नोटिफिकेशन आया है कि जो भी स्टूडेंट हैं फिफ्थ सेमेस्टर के उनको बोला गया है कि आप 10 तारीख को अपनी जो कॉलेज है GTC नौशहरा वहाँ पे आओ और अपने जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, मार्कशीट की आपकी थर्ड सेमेस्टर की, और ओरिजिनल शीट चाहिए BA BSc सेम थर्ड की। ठीक है, तो वो जो है ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। टू सेल्फ
अटेस्टेड फोटोग्राफ्स चाहिए और 1 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जो है आपको ज़रूरी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप अंदर जाओगे तो वो चेक करेंगे आपका, तो वो कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। रोल नंबर के हिसाब से जाना है आपको, अपने रोल नंबर चेक कर लो। देखो 10 से लेकर 11 बजे तक बुलाएं, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो आपको अपने टाइम के हिसाब से चल जाना, जैसे 1 से लेकर 21 रोल नंबर, फिर 51 से लेकर 83 तक, ठीक है, वो चेक करना आप। एक बार मैं जूम करके बता दूं, अपना अपना रोल नंबर चेक करके उस हिसाब से चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये नोटिफिकेशन जो है, डेट शीट ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ बीए बीएससी बीकॉम सेशन 3rd, तो ये आपके जो इंटरनल असेसमेंट है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, वो होने जा रही है, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये री टेस्ट है वैसे तो आपका, जो ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, तो चेक कर सकते हो। अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।